Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the Nishashram vocabulary from the Hindu. आपको पता है कल दशहरा था, विजयदशमी थी, तो इस वजह से कल का एडिटोरियल आ नहीं पाया अपने पास में. कल न्यूज़पेपर ही नहीं आया, तो इस वजह से कल अपनी वोकैब का सेशन नहीं हो पाया था. तो इसी वजह से अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो भैया आज सेशन हम लोग रिज्यूम कर रहे हैं, ठीक है? तो कल का न्यूज़ भी आज ही आएगा, साथ के साथ ही हम लोग देखेंगे इसकी बात, ठीक है? चलिए शुरू करें कहानी को. हम लोग कहाँ तक थे, हमारी कहानी कहाँ तक पहुँची थी, देखिएगा. आज के सेशन में अगर मैं बात करूँ आपसे, तो रोज़ के दो ही हमारे पास में ड्रिल होते हैं ऐसे वाले जो कुछ हद तक ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, या फिर अभी जो करंट सिनेरियो में चीज़ें चल रही होती है उसके ऊपर वो होते हैं, ठीक है? तो एक तो आजकल मैंने देखा है, ये पैटर्न मैं देख रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एक आर्टिकल इसके ऊपर, इलेक्शन के ऊपर तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इलेक्शंस के ऊपर कभी भी आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं. अगर उसमें आप लाइक PQRS वगैरह आया है, बैंकिंग के एग्जाम में आपके पास में पैराजम्बल आया, तो उसमें कभी भी वो इलेक्शन को लेके नहीं पूछेगा. रेयर केस ऐसा बनेगा, मतलब रेयरली आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कभी कि आपकी इलेक्शन के ऊपर कुछ दिया है, नहीं. बाकी उसके अलावा मतलब कभी कभी ही आपको देखने को मिलेगा, इतना देखने को नहीं मिलता है वो, ठीक है? तो इसलिए मैं भी उसकी बात नहीं करते हुए दूसरे वाले आर्टिकल को लेके आया हूँ. आइए देखिए, समझिए. आपके पास में यहाँ पर है आर्टिकल का नाम मिनोस. अब हमने बात करी है मिनोस को लेके, मिनोस. अब मिनोस को अगर हम लोग देखा जाए तो ये आपके पास में एक स्मॉल फिश होती है, ठीक? मिनोस नो मोर, कि अब वो मिनोस नहीं रहे हैं, अब वो उससे बड़े हो गए, मतलब अब वो छोटी मछली नहीं है, वो बड़ी मछली हो गई. अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें तो स्मॉल फिश आपके पास में है, ये तो हम लोग यूज कर रहे हैं किस फॉर्म में, नाउन के फॉर्मेट में. लेट्स सपोज अगर इसी वर्ड को हम लोग यूज कर रहे हैं किसके फॉर्म में, एडजेक्टिव के फॉर्म में. अगर ये आप किसी की क्वालिटी बताना चाह रहे हो तो उस कंडीशन में क्या उसको तब भी छोटी मछली ही बोलोगे? नहीं. अब उस कंडीशन में आप लोग जब उसको बोलोगे तो उस कंडीशन में वो निकल के आएगा इन्फीरियर. इन्फीरियर मतलब तुच्छ, जिसको हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं. तो वो बहुत छोटे, जो कोई लेवल पे है, छोटे स्टैंडर्ड पे है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में मिनोज होगा. तो हम लोग बात करें कि कोई ऐसा है जो मिनोज नहीं रहा, अब वो बड़ा हो चुका है, अब वो सुपीरियर हो चुका है, अब इंपीरियर नहीं होकर वो आपके पास में सुपीरियर हो चुका है, ठीक है? तो हम लोग अगर हम लोग एडजेक्टिव का फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग उसका मीनिंग स्मॉल फिश नहीं मान के वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे इन्फीरियर, ठीक है? आप अगर सर्च करोगे लाइक गूगल पे, अगर आप सर्च करोगे तो आप मिनोज जैसे वर्ड सर्च करोगे तो उसका आपका मीनिंग स्मॉल फिश ही आएगा, लेकिन आप वहां पर स्मॉल फिश उसका मीनिंग नहीं लेकर आप लोग क्या लोगे, इन्फीरियर, ठीक है? लोअर रैंक्ड टीम्स, अभी लोअर रैंक जो टीम्स है उन्हीं को हम लोगों ने क्या बोला है बेटा, उन्हीं को हम लोग मिनोज बोलना का चाह रहे हैं, ठीक है? हैव डन वेल, उन्होंने अब अच्छा काम किया है, उन्होंने अच्छा खेला है जो टीम्स थी, ठीक है? तो ये क्रिकेट के ऊपर था. इन दिस क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप अभी हुआ था जिसको इंडिया ने यहाँ पर होस्ट किया था, तो उस कंडीशन में अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो वहाँ पर जो आपके पास में लोअर रैंक जो टीम थी उन्होंने अच्छा प्ले परफॉर्म किया है, वहाँ पर अच्छे तरीके से वो खेले हैं, तो अब वो मिनोज नहीं रहे हैं, अब वो बड़े हो चुके हैं, यानी कि उन्होंने अपना जो स्थान था, हम लोग कह सकते हैं अपना जो प्लेस था उसको बहुत ऊंचा कर लिया है, अपना कद बहुत ऊंचा कर लिया उस चीज से, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है? तो अब इसमें आगे था, वर्ल्ड कप्स ऑफन बिकेम ए प्लेटफॉर्म फॉर स्पोर्टिंग कॉप्स. अब कॉप्स की अगर हम लोग बात करना चाहें तो जरा समझे, ठीक है? यहां तक आपको कोई ऐसा कोई भी वर्ड नहीं मिलेगा जो आपको परेशान कर सकता है. यहाँ पर एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, ये वर्ड मैं बहुत बार आपको करा चुका हूँ. अगर आप लोग वहां पर रूल को चेंज करना चाह रहे हो, रूल से मेरा मतलब यहाँ पर बेटा गवर्नमेंट से, ठीक है? गवर्नमेंट ही आपके पास में, आपको पता है कि रूल बनाती है, ठीक है? तो आप जो अथॉरिटी है उसको चेंज करना चाह रहे हो, तो उस कंडीशन में ये बदलता रहता है कि कभी कोई हो जाएगा, कभी कोई हो जाएगा, यानी कि हमेशा हर बार इसको कोई ना कोई अलग बंदा आगे लेवल पे लेके जाएगा, यानी कि हर बार इसमें कोई एक नया प्लेयर निकल के आएगा आपके सामने. और अभी इन्होंने बात करी कि अभी इस बार निकल के कौन आया अपने पास में, अफगानिस्तान. ऑल्दो जीता किसी और ने है, लेकिन आपके पास में जो सबसे मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जिससे हम उम्मीद नहीं कर रहे थे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उसने अपना एक अच्छा रोल प्ले किया है वहाँ पर, अफगानिस्तान. प्रिसाइजली अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं प्रिसाइजली, तो प्रिसाइजली को हम लोग देखना चाहें तो बहुत सिंपल सा इसका मीनिंग गन में होता है. देखो जरा, ठीक है, कहाँ गया प्रिसाइजली, ये प्रिसाइजली मतलब
कुछ चीज ऐसी होती है जो एग्जैक्ट होती है, ठीक वैसा ही हम लोग सोच रहे थे, बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेटली भी हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं, करेक्टली, रिग्रेसली, स्पेसिफिकली आपके पास हुआ, फेथफुली जैसा हमने सोचा था, जस्ट वैसा ही, ट्रूली, डायरेक्टली, डेड ऑन, स्पॉट ऑन, परफेक्टली, राइटली, ठीक है, डॉट है पूरा, एक प्रॉपरली कंप्लीटली। अगर हम लोग इस जगह बात करना चाह रहे हैं तो ये सारे के सारे प्रिसाइजली के सिमिलर वर्ड है, और वहीं पर ऑपोजिट देखना चाहें तो जिसके बारे में हम लोग आइडिया ले सकते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है, हाँ वैसा हो जाएगा, ठीक है, अप्रोक्स, रफ, इनएक्यूरेट, लूज, वैग, ठीक है, इनडिस्टिंक्ट आपके पास में हो गया, अनसर्टेन, एम्बिग्यूस, ये सारे ऐसे वर्ड है आपके पास में जो प्रिसाइजली एल वाई लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो एडवर्ब की कैटेगरी का वर्ड आपके पास में हुआ है, ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके पास में है, ऑपोजिट है किसके, प्रिसाइजली, ये सब बिल्कुल एग्जैक्ट है, लेकिन ये क्या है, सिर्फ एक आइडिया है, ठीक है, ये सिर्फ आप एक आइडिया लगा रहे हो, ठीक है, और ये सारे के सारे अगर हम लोग देखना चाह रहे हैं तो बेटा क्या होगी, एग्जैक्ट आपके पास में हो जाएंगे, जो बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग बात करें वापस से, तो अफगानिस्तान प्रिसाइजली डिड दैट, उन्होंने बिल्कुल ठीक ठीक किया है, बिल्कुल सही किया है, एग्जैक्ट काम किया इधर, ठीक है। स्टनिंग, स्टनिंग मतलब जो बहुत शानदार होता है, ये वर्ड तो आप लोग बहुत सी बार किसी की फोटो पे कमेंट करते होंगे तब भी लिखते होंगे स्टनिंग वगैरह, ठीक है। फैंसीड, फैंसीड मतलब यहाँ पर जो डेकोरेटिव है आपके पास में उसके लिए हम लोग लिखें, तो उनका जो बहुत शानदार डेकोरेटिव प्लेयर था जिसके बारे में एक पोजिशन थी इंग्लैंड, ठीक है, एट दिल्ली एंड पाकिस्तान इन चेन्नई, ठीक है, उन्होंने उनको क्या किया है, कहीं ना कहीं एक तरीके से लूज करवाया है, उनको हराया है, ठीक है। इवन इफ लॉसेस वर सफर्ड अगेंस्ट द बांग्लादेश, उन्होंने बांग्लादेश के साथ में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो वहां पर उनकी हार भी हुई है, इंडिया एंड न्यूजीलैंड, हशमतुल्ला शाहिद इज मेन, हशमतुल्ला की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो शायद ये कैप्टन है किस वाली टीम के, अफगानिस्तान वाली टीम के, ठीक है। मैन हैव शोन यानी कि उनके जो आदमी थे उन्होंने दिखाया है अपना परफॉर्मेंस, दैट दे आर नो पुश ओवर्स यानी कि कोई भी उनको धक्का देकर नहीं निकाल सकता है, वो अपनी जगह पर खड़े हुए हैं, स्टडी हैं अपनी जगह पर, एंड विल कम्पीट, और वो क्या करेंगे हर लेवल पे, हर एट ऑल कॉस्ट, हर कीमत पे वो क्या करना चाहेंगे कि वो लड़ना चाहेंगे, प्रतिस्पर्धा करना चाहेंगे, मुकाबला करना चाहेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग देखना चाहें तो वो उस जगह कंपटीशन करना चाहेंगे, या फिर हम लोग कह सकते हैं वो सिंपली फाइट करना चाहेंगे, किसमें, गेम में, ऐसे नहीं कि ये कहीं पर ऐसे लड़ाई झगड़े शुरू कर दी, वो वाला सीन नहीं, वो गेम में कम्पीट करना चाहेंगे, उन्होंने अपने आप को इस लेवल का दिखाया है। अफगानिस्तान क्रिकेटिंग रूट्स, जो अफगानिस्तान के क्रिकेटिंग रूट्स हैं यानी कि उसकी हम लोग बेस की बात करें, ठीक है, ये रूट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो रूट्स जो है आपके पास में बेस कैन बी ट्रेस्ड, उनके बारे में हम लोग अगर पता लगाना चाहें टू द रिफ्यूजी कैंप, तो वो कहाँ मिलेगी आपको, रिफ्यूजी कैंप, कि रिफ्यूजी कैंप में वो खेलते खेलते बड़े हुए और फिर आगे आके आज वर्ल्ड कप में वो खेल रहे हैं, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एट पेशावर इन नेबरिंग पाकिस्तान, उनके जो पाकिस्तान का अगर हम बात करें, उनका जो नेबर है पाकिस्तान, उसमें रेफ्यूजी कैंप में उन सारे के सारे जो प्लेयर्स थे उन्होंने उस टाइम पे खेलना शुरू किया, कुछ हो सकता है वहीं पर रहे हों और कुछ ने वहाँ पर खेलना शुरू किया था, तो ये हम लोग कह सकते हैं वहाँ पर। इन द पास्ट, जब पास्ट की हम लोग बात करना चाहें या फिर वहाँ की स्टार्टिंग की हम लोग बात करना चाहें, वेन द कोल्ड वॉर एंड द ग्रेट गेम, अब कोल्ड वॉर की हम लोग बात करें, वहाँ पर अंदर ही अंदर चल रहा था, तालिबान वगैरह का सब कुछ चल रहा था, एंड द ग्रेट गेम स्टेज्ड बाई द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न ब्लॉक्स, क्या कह रहे हैं वो कि कोल्ड वॉर तो हुआ था वहां पर, ठीक है, हमने मान लिया, उसके साथ में एक अलग तरह का गेम भी वहां पर चला था, आपको पता है कि हाँ अफगानिस्तान में इंसर्जेंसी इतनी बढ़ गई थी यानी कि इतनी दिक्कतें चल रही थी कि वहां के लोग बाग अभी तक भी नहीं ले पा रहे, तालिबान ने भी सारा का सारा टेक ओवर कर लिया, लेकिन उससे पहले भी आप देखो कि अमेरिका ने अपनी जो फोर्स थी वहां पर डिप्लॉय कर रखी थी अलग अलग कंट्रीज, उससे पहले रशिया भी था, रशिया ने भी अपनी फोर्स वहां पर डिप्लॉय कर रखी थी, रशिया के हटने के बाद में फिर अमेरिका आ गया, मतलब चलता रहा वहां पर, तो जितने भी ईस्टर्न कंट्रीज थे उन्होंने पूरा का पूरा उसको अपनी टेरिटरी बना रखा था, अपने कंट्रोल में रखा हुआ था, तो ये सारा का खेल चल रहा था, तो इसलिए उन्होंने बोला है कि वेस्टर्न एंड ईस्टर्न ब्लॉक्स जितने भी इस ब्लॉक के जितने भी कंट्री थे उन्होंने वहाँ पर ये गेम खेला हुआ था, उसको स्टेज किया हुआ था, उसके ऊपर वो लीडर बैठे हुए थे। स्टेज का अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें, यहाँ पर बोर्ड आया था स्टेज, तो उसके ऊपर वो लीडर बन के बैठे हुए थे, अपनी हुकूमत वहाँ पर रखे हुए थे विद काबुल, ठीक है, काबुल पर भी एज इट्स पाइवोट, पाइवोट की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें
बेटा पाइवोट वर्ड ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, पाइवोट का मतलब होता है समथिंग दैट इज प्राइम, जबकि हमारे लिए जो एसेंशियल होता है सिग्निफिकेंस कोई चीज़ होता है, ठीक है। इसके लिए वर्ड मैंने दिखा था लिखवाया है पाइवोट। पाइवोट जो चीज़ आपके पास प्रदान होती है या फिर बेस होती है, आधारभूत होती है, या फिर उसी के ऊपर सारा कुछ रोटेशन होता है। ये दो चीज़ें आपके पास में है, लेकिन दोनों चीज़ें कनेक्ट किससे हैं इसके ऊपर। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये आपके लिए इन दोनों का क्या हुआ, बेस हुआ। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ये भी कह सकते हैं कि इसी के ऊपर सारा कुछ क्या होता है, रोटेट होता है, ठीक है। और इसी के साथ एक और वर्ड आया था बिकविट। बिकविट का मतलब होता है वो चीज़ का आपके पास वही पहले से ही वही चीज़ चली आ रही थी होती है, या फिर उस चीज़ का वहाँ पर ट्रेडिशन होता है, ये भी वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये भी पॉसिबल है वहाँ पर, ठीक है। या फिर हो सकता है ये चीज़ आपको वहाँ पर मिली हो, ग्रांट की गई हो, या फिर आपके पास में और कुछ हो ही नहीं, बस यही चीज़ आपके पास में हो, उसे हम लोग बोलते हैं बिक्विटी, ठीक है। इसके लिए ये सिमिलर वर्ड हो जाएंगे आपके पास। देखो ग्रांटेड इसमें वर्ड यूज़ किया ना हमने, गिफ्टेड, जो आपको किसी ने गिफ्ट किया हो तो उनको यही गिफ्ट मिला हुआ है। अपोजिट, उनको गिफ्ट नहीं किया, लोगों ने अपने पास ही रख लिया है, रिटेन कर दिया, डिनाई कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। कंसील, कंसील का मतलब छुपा लिया है, सप्रेस किया है, सीज किया है। तो ये सारे के सारे अपोजिट होंगे किसके, बिक्विटेड के। और वहीं पर हम लोग बात करना चाहें किसको लेके, पाइवोट। पाइवोट की अगर हम लोग बात करना चाहें तो आपके पास में प्राइम कोई चीज़ होती है, उसका अपोजिट अगर हम लोग देखना चाहें तो कोई चीज़ ऐसी होती है जो चीज़ आपके पास में सिर्फ साइड में होती है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करना चाहेंगे वो अपोजिट होगा पाइवोट का, ठीक है। आप लोग सिंपली ध्यान रखो, कोई चीज़ आपके पास पाइवोट होता है दैट मीन्स वो आपके पास में बेस होती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं प्राइम होती है, उसी को हम लोग वहाँ पर मान के चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न ब्लॉक विथ काबुल एज इट्स पाइवोट, वो प्राइम था। और उसके अलावा हम लोग बात करना चाहें तो उनको यही चीज़ मिला हुआ है, उनको जहाँ से हासिल हुई है बस यही चीज़ मिली है, ये सबसे मेन चीज़ है जो उनको मिली हुई है, ठीक है। यही चीज़ उनके पास मिला है, और वो क्या, वो चीज़ क्या है, इनस्टेबिलिटी। उनको जो मुख्य चीज़ मिली थी या प्राइम जो चीज़ मिली थी उनको, सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान को वो मिली है इनस्टेबिलिटी। हर चीज़ में इनस्टेबिलिटी, कोई चीज़ एक फ्रेम में चल रही है, थोड़े दिन बाद में ही उसी में किसी ने चेंज कर दिया, फिर वापस से रोटेशन पे आए, फिर चेंज कर दिया, फिर रोटेशन में आए, फिर चेंज कर दिया। मतलब उनके साथ में वो कभी एक एग्जैक्ट हम लोग कह सकते हैं स्ट्रक्चर पे या स्ट्रक्चर या पैटर्न को फॉलो कर ही नहीं पाए, हर बार उनका पैटर्न चेंज हो गया। अभी थोड़े दिन पहले ही तालिबान आया तो तालिबान ने फिर पैटर्न चेंज कर दिया। लाइक अभी वहाँ पर मैंने पढ़ा था कि जो वुमा एजुकेशन है, यानी कि जो लेडीज़ को लेकर जो एजुकेशन है वो बिल्कुल उन्होंने बंद कर दिया, ये उसके ऊपर कुछ चल रहा था, अभी दिक्कतें कुछ चल रही थी। सारी न्यूज़ आती भी नहीं है कुछ, हम लोग कह सकते हैं कुछ ही न्यूज़ हमारे पास में आती है, माना कि ये जो एरा है अपने पास में वो ग्लोबलाइजेशन का है, लेकिन इसमें बहुत कुछ छुपा जाता है। अभी चाइना में अगर कुछ चल रहा है तो चाइना की अगर कोई बात हम लोग करना चाहें तो चाइना की जो बात होती है क्या उतनी कितनी न्यूज़ आती है वहाँ की, बहुत बड़े लेवल पर अगर कोई चीज़ हो जाती होगी तो वो आती है, बाकी वहाँ की इनसाइड चल क्या रहा है उधर, वहाँ पर इंटरनली चल क्या रहा है वो कुछ पता नहीं लगता अपने को, एग्जैक्ट कुछ भी पता नहीं होता, ठीक है। आईजी तो उनको सिर्फ और सिर्फ क्या मिला है, एक मुख्य चीज़ जो मिली है इन स्टेबिलिटी मिला है विद इन द रगिड। रगिड की हम लोग अगर बात करना चाहें तो उबड़ खाबड़, ठीक है। उबड़ खाबड़ कोई चीज़ अपने पास में होती, आओ चले उसको भी देख लें हम लोग, रगड़, ठीक है। रगड़ की अगर हम लोग बात करें, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में लैंड के लिए यूज़ किया जाता है, बाकी कुछ और जगह भी इसको यूज़ कर ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि वोकैब जो होती है या फिर कोई वर्ड होता है तो हमेशा सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग कन्वे करता है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में इसको लैंड के लिए यूज़ करेंगे जो रफ होती है विद लॉट ऑफ रॉक्स एंड उसमें कोई प्लांट्स नहीं होते हैं, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कुछ हद तक जिसमें कोई भी प्लांट्स नहीं होता है, कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा बैरन। बैरन मतलब बंजर, ठीक है। क्यों, अब इसका हम लोग कैसे बोल रहे हैं कि भाई वो बैरन होगा, उसका रीज़न ये होगा ना, अगर बैरन वो होगी तो उस पर कभी प्लांट्स उगाए नहीं जाएंगे और उसको कोई भी प्लेन करने का काम करेगा नहीं। प्लेन करेगा ही क्यों, उसकी नीड ही क्या होगी, उसको प्लेन करने का नीड ही क्या है जब उसमें कुछ भी उगेगा नहीं, जब कुछ प्रोडक्शन होगा ही नहीं तो कोई क्यों मेहनत करेगा उधर जाके। रफ, हेली, अन ईवन जो बैलेंस नहीं होती है, अनबैलेंस्ड हम लोग कह सकते हैं इसके लिए। रॉकी, हार्श, जैग्ड, क्रैगी, अनस्मूथ,
कोर्स, एक कोर्स वर्ड भी आता है, प्लीज ध्यान रखें इसका। लंपी हो गया, रेगुलर हो गया, बम्पी, बम्पी, बम्पी क्यों बोला होगा इसके लिए, गाड़ी से आप जा रहे हो बार बार उछलते कूदते रहोगे, बम्पी हो गया। सिविर हो गया, स्टिफ हो गया, माउंटेनियस वहां पर है, चैलेंजिंग, देयर इज अ वर्ड माउंटेनियस। अब इसमें माउंटेन है और उसमें ओयूएस लग गया, एडजेक्टिव हो गया, मतलब कहीं पर अगर माउंटेनियस कोई चीज़ है तो उसका मतलब उबड़ खाबड़ हो गई वो, चैलेंजिंग, जिसको थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं चैलेंजिंग। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में दिक्कत आएगी और यहाँ से इधर आप डायरेक्ट जाना चाहोगे तो दिक्कत नहीं आएगा, ठीक। ऑपोजिट देखें, कोई चीज़ आपके पास फ्लैट होगी, स्मूथ होगी, जेंटल होगी, सॉफ्ट होगी, इवन या फिर प्लान होगा, लेवल में होगा या सिंपल होगा, तो उसको हम लोग एंटोनिम में यूज करेंगे, किसका, रगड़ का, ठीक है बेटा। आओ चलें, तो विद इन द रगड अफगानिस्तान, अफगान कंट्री साइड, वहां का जो विलेज साइड है, विलेज का जो एरिया होता है, जो कंट्री साइड आपके पास में होता है, वो आपके पास में रूरल एरिया होता है। कंट्री साइड आपके पास में कोई भी चीज होती है बेटा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रूरल एरिया। बहुत बार ये वर्ड पूछा जाता है, आपके पास में रूरल एरिया कोई होता तो उसको हम लोग कंट्री साइड बोलते हैं। क्रिकेट वॉज अ वेलकम डिस्ट्रैक्शन, मतलब उनके लिए ध्यान भटकाने के लिए क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट था जिसने उनका ध्यान भटकाया है, और इसको उन लोगों ने अच्छे से वेलकम किया है, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। एज मैनी पीस ऑफ रैम शैकल वुड्स, रैम शैकल की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, जो ओल्ड होती है, और ओल्ड के भी साथ साथ वो कैसी होती है, कहीं ना कहीं बर्बाद हो रखी होती है, ऐसी कोई चीज़ आपके पास में होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रैम शेकल। जर्जर अवस्था में होती है, हम लोग ये भी कह सकते हैं उसके लिए, तो रैम शेकल वुड, मतलब या तो घर ऐसे जो बने हुए थे वहाँ पर, वो रैम शेकल के कंडीशन में होते हैं, मैंने यूज़ किया था इसके लिए। हाँ, आपके पास में कुछ ऐसी होती है जो पुरानी होती है, टूटी फूटी होती है, यूजुअली ये बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, वहाँ पर इतनी बमबारी हुई है कि हर घर उनका लगभग बर्बाद हो चुका है, ठीक है। ओल्ड एंड नीडिंग रिपेयर, जिनको रिपेयरमेंट का जरूरत होता है वो आपके पास में है। डायलैपिडेटेड आपके पास में है, रन डाउन आपके पास हो गया, डेक्रेपिट वहाँ हुआ है, शैबी हुआ है, डायरेक्ट वो एक वर्ड आपके पास में हुआ है, टम्बल डाउन, दर इज वर्ड टम्बल डाउन, ठीक है। वोन आउट, क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग जो खराब हालत में हो, बिल्कुल घटिया हालत में हो। डिटेरियोरेटेड आपके पास में हुआ है, नेग्लेक्ट जिसको कर रखा है, अनस्टेबल है, हम लोग इसको बोलते हैं क्रिकेट ही, या फिर अनसाउंड इसको हम लोग बोल पाएंगे बेटा, ठीक है। तो रैम शैकल आपके पास में कोई चीज़ ऐसी होती है जो खराब हालत में होती है, बुरी हालत में होती है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं रैम शैकल। ऑपोजिट, जिसको अच्छे से मेंटेन कर रखा होगा, स्टडी होगा, सॉलिड होगा, साउंड होगा, रोबस्ट होगा, इंटैक्ट होगा, रिलायबल होगा, स्ट्रक्चरली साउंड करेगा आपके पास में, तो उसको हम लोग इस कंडीशन, इसके ऑपोजिट में रख पाएंगे, किसके, रैम शैकल, ठीक है। हो चले, तो रामशेकल वुड, वहाँ के जो पेड़ पौधे थे जिनको बर्बाद कर दिया गया था, उनके साथ वो खेलते रहते थे, ठीक है। मतलब आपको इसको ऐसे समझो, यहाँ पर कैसे समझाऊँ मैं आपको, जब क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं वो, अब क्रिकेट खेलने के लिए उनके पास प्रॉपर बैट नहीं है, बैट नहीं था, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है वो यूज़ करेंगे किसका, वुड का, लकड़ी का। अब लकड़ी में भी क्या लेंगे वो, उसका पीस लेंगे, ठीक है, पीस को बनाएंगे क्या बेटा, वो बनाएंगे वो बैट, और बैट बना के खेलेंगे उससे, तो ऐसा काम चलता रहेगा, ऐसी बातें होती रहेगी। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि वो उस कंडीशन में, अब वो लकड़ी कैसी हुई थी, बर्बाद हो रखी होगी पहले, तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं रैम शैकल वाला, ठीक है। तो जो रैम शैकल वाली कंडीशन आपके पास बन के आ रही, उसी को हम लोग इस कंडीशन में कह पाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए थोड़ा सा और आगे इसमें चलते हैं अपन, थोड़ा सा और इसमें अपन को टाइम लगेगा, आइए चले। एंड टैप्ड बॉल विद इन अ कैंप वॉज एडिक्यूएट, और उसके बाद में क्या बोल रहे हैं कि उसी लकड़ी के पीस से क्या करते थे कि ऐसे बैटिंग करते थे प्रॉपर तरीके से, और उसमें भी टाइम लगता था। टैप्ड बॉल विद इन अ कैंप वॉज एडिक्यूएट टू इंडल्स इन द स्पोर्ट। अब यहाँ पर आपके पास में एक वर्ड है इंडल्स, इंडल्स मैंने यूज़ किया क्या, इंडल्स का मतलब वैसे तो होता है कहीं पे मनोरंजन करना, मजे करना, ठीक है, बस ऐश करते हैं, लिप्त हो जाते हैं किसी में, मौज मस्ती करते हैं, ठीक है, खुद को एंटरटेन कर रहे होते हैं, होते हूँ, ठीक है, स्पॉइल करना, पैम्पर, ग्रेटिफाई, सेटिस्फाई, कॉडल, ये आपके पास में इंजॉय करने के सेंस में हम लोग इन वर्ड को यूज़ करने का कोशिश करेंगे। ये सारे आपके पास में सिमिलर वर्ड हैं इसके, ठीक है बेटा। ऑपोजिट देखना चाहें, डिनाई करते हैं, रिफ्रेन करते हैं, एब्सटेंट करते हैं, रजिस्ट करते हैं, या फिर कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं, ठीक हुआ, ये आपके पास में इसके लिए वर्ड होंगे। कहाँ क्या रहे वो गिरा, तो वो उसी से बैटिंग कर रहे होते हैं और उस स्पोर्ट में खुद को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, उसी में मजे लूट रहे होते हैं, ठीक है।
थिंग्स गोट वर्स, और उसके बाद में चीज़ें ख़राब कहाँ हुई, विद द राइज ऑफ द तालिबान, जब तालिबान आया, तालिबान का राइज हुआ वहाँ पर, तब दिक्कत होने लगी। एंड द लॉज ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टीज़, और वहाँ पर जो इंडिविजुअल थे उनका लॉस होने लगा, उनकी जो लिबर्टी थी, उनका जो फ्रीडम था, लिबर्टी हम लोग यहाँ पर देखना चाहें तो आपके पास हम लोग ये कह सकते हैं कि जो फ्रीडम था उसको वो खत्म हो गया उनका। बट अफगानिस्तान क्रिकेटर्स रिमेन द डिस्पेंसर्स, अब यहाँ पर एक वर्ड आया है डिस्पेंसर, डिस्पेंसर की अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं, ऐसा इंसान जो लोगों को कुछ देता है, कुछ प्रोवाइड करवाता है, कुछ ग्रांट करवाता है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो आपके पास क्या होगा, डिस्पेंसर। डिस्पेंसर मतलब जो होप बांट रहा होगा, जो उम्मीदें बांट रहा होगा लोगों को, तो उसको हम लोग बोलते हैं। अब डिस्पेंसर आपके पास में होता है ना, जिसमें से ऐसे ऐसे आप करते हो, तो वो आपके पास में डिस्पेंसर हो जाएगा। इन राशिद खान द कंट्री हैज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, और राशिद खान के टाइम पर वहाँ पर बहुत वर्ल्ड क्लास के प्लेयर थे, एग्रेसिव ओपनर्स, और एग्रेसिव ओपनर भी थे वहाँ पर, एंड अ मैस्कुलर मिडल ऑर्डर, और उनका एक जो अच्छा जो मिडल मैन थे वो भी थे वहाँ पर, हैव लर्न टू ब्लेंड, और उन सबको वो क्या कर सकते थे, मिक्स कर सकते थे, प्रॉपर एक जो स्ट्रेटेजी थी वो बना के, और बैटिंग अच्छे से कर सकते थे, बॉलिंग अच्छे से कर सकते थे, और इवन फील्डिंग अच्छे से कर सकते थे, उन सबका मिक्सअप था उनके पास में, ठीक है। पैशंस, और सबसे मेन चीज़ उनके पास पैशंस था, क्योंकि इतना कुछ झेल चुके तो पैशंस आ ही जाएगा उनके पास। इंटरेस्टिंग, उनके अंदर की क्वालिटी बन चुकी थी कि उनके अंदर एग्रेशन था, पैशंस था, साथ में उनका एक प्रॉपर तरीके से कॉम्बिनेशन बना हुआ था उनके पीस में, ठीक है। इंटरेस्टिंग इनसाइट, यहाँ पर हम लोग बात करने का कोशिश करते हैं, इंटरेस्टिंग समथिंग दैट इज इनसाइट, ठीक है। एंड बॉलर्स रिफ्यूज टू ओवरलोड, उनको कोई भी वहाँ से हटा नहीं सकता था। ओवरलोड मतलब वो हम लोग कहना चाहें कि स्टिक होके खेलते थे वो हर जगह पे, ओवरलोड इतना प्रभावित कर देते थे लोगों को कि हर कोई उनसे इंप्रेस हो जाता था, उस कंडीशन को वो देखते थे, इंटिमिडेट होते थे, टेरिफाइड, इवन देखो इसका एक मीनिंग ओवरऑल का डरना, लोगों को डरा देते थे, इतना खतरनाक तरीके से खेलते थे, बॉलिंग करते थे, बैटिंग करते, इतनी जबरदस्त करते थे वो, ये कहना चाह रहे हैं। चलिए इसी को अगर हम लोग देखना चाहें, ऑल दिस हैज कैप्ट अफगानिस्तान इन गुड स्टेट, स्टेट का अगर हम लोग इन्हें देखना चाहें बेटा, तो इसका मतलब होता है यहाँ पर पोजिशन, अगर हम लोग देखना चाहें इसको मैं हटा देता हूँ, स्टेट मतलब एक अच्छी पोजिशन में खुद को वो रखते थे, खुद के लिए एक अच्छी पोजीशन वो तैयार करके रखते थे, हमेशा अच्छे तरीके से खेलते थे। द मैनर इन विच इंग्लैंड वॉज बंडल्ड आउट, अब आपके पास में एक वर्ड आया है यहाँ पर बंडल आउट, BUNDLE, बंडल आउट, हम लोग अगर बात करना चाहें बंडल आउट को लेके, तो बंडल आउट कोई चीज़ ऐसी होती जो आपको वहाँ से हटा देती है, लीव करने पर मजबूर करते, और वो भी कैसे, हरिड, जल्दबाजी में आपको लीव करने के लिए मजबूर करते, तो उसको हम लोग बोलते हैं बंडल्ड आउट, आपको जल्दी से, ये आपके पास में एक फ्रेजल वर्ब हो जाएगा, फ्रेजल वर्ब एक मैन वर्ब और एक प्रेपोजिशन के हमसे मिलके बनता है, ठीक है। तो बंडल आउट, उनका खेलने का तरीका इतना अच्छा था कि वो एक इंग्लैंड को भी क्या कर सकते थे, बंडल आउट कर सकते थे, वॉज बंडल आउट लिखा आपके पास में, तो उस कंडीशन में आपके पास पैसिव में जाएगा, तो ये आपके पास में एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है। आउट और पाकिस्तान्स टोटल वॉज परस्यूड रिवील्स अ यूनिट दैट हैज टर्न्ड द कॉर्नर एंड वुड ऑब्वियसली ब्रिस्टल रोंगटे खड़े कर देती थी एट द मेंशन ऑफ द वर्ड मिनोस, उनके लिए ये जो वर्ड है एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डिफेमिंग वर्ड नहीं होगा कि मिनोस हम लोग उनके लिए यूज़ कर रहे हैं, तो मिनोस नहीं यूज़ करना चाहिए उनके लिए, हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये वर्ड पहले की कंडीशन में अगर देखते तो शायद हम लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास में हम लोग बात करना चाहें नेक्स्ट, द नीदरलैंड्स टू माउंटेड खुद को प्लेस कर रखा उन्होंने, द ओड अपसेट बाय नेलिंग साउथ अफ्रीका, उन्होंने साउथ अफ्रीका को साइड करके नीदरलैंड ने खुद को अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में माउंट कर रखा है सिमिलरली, ठीक है, जैसे अभी अफगानिस्तान कर रहा है। द टू कंट्रीज विद कॉलोनियल डच, हम लोग कह सकते हैं वहाँ पर कि उनका कॉलोनियल पास्ट रहा है, यानी कि उनके ऊपर कॉलोनी मतलब आप किसी के ऊपर क्या कर रहे हो, रूल कर रहे हो, शासन कर रहे हो, डच कनेक्ट है कल्चरल इकोनॉमिक एंड स्पोर्टिंग थ्रेट्स लिंकिंग दैम, और इसी की वजह से वो एक दूसरे को लिंक कर पा रहे हैं, ऐसे उनके थ्रेट्स हैं देम। एंड करंट नीदरलैंड्स प्लेयर Rolf van der Merwe has previously turned out for South Africa, ठीक है, turned out की अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं तो बेटा turned out भी आपके पास में एक phrasal verb है जिसका meaning होता है result, और result भी ऐसा होता है बेटा जो बिल्कुल ही unexpected होता है, उसको हम लोग बोलते हैं turned out, अचानक से for South Africa, the Netherlands may have lost its other games but there is no mistaking
इट्स टैलेंट, उसके जो टैलेंट में कोई मिस्टेक नहीं है। दिस इज अ वर्ल्ड कप फॉर विच द वेस्ट इंडीज फेल टू क्वालिफाई, और ये वर्ल्ड कप है जिसमें वेस्ट इंडीज तो क्वालिफाई कर ही नहीं पाया, उसमें फेल हो गया था। द बेंच मार्क, बेंच मार्क को अगर हम लोग देखना चाहें यहाँ पर, तो बेंच मार्क का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किया हुआ है जिसको अचीव करना होता है लोगों को, आर हाई एंड फॉर द नीदरलैंड्स टू स्केल दैम क्वालिफाई एंड नाउ कम्पीट, इट इज इंडीड ए ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस की अगर हम बात करना चाहें तो समथिंग दैट इज वेरी लार्ज, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, ठीक है। और बहुत अच्छे के साथ साथ हम लोग ये भी कह सकते हैं इसके बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो, ये भी ट्रेमेंडस, ये वेरी लार्ज भी हो सकता है। अब आपके पास में कुछ ऐसी होती है बहुत बड़ी साइज में भी हो सकती है, पॉसिबल है, ठीक है। तो उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एज द टूर्नामेंट वीट, वीट का यहाँ पर मीनिंग निकल के आएगा टर्न करना, ठीक है। टर्न टूवर्ड्स इट्स मिडिल पॉइंट, होस्ट इंडिया रिवील्ड अ रिच वेन ऑफ फॉर्म, उसकी जो नसें थी उसमें हम लोग कह सकते हैं कि पूरा फॉर्म भरा हुआ था। फॉर्म के इस कंडीशन में हम लोग ये नहीं कह रहे कि उसमें फॉर्म भरा हुआ है, नहीं भैया, वो प्रॉपरली फॉर्म में खेल रहे थे, मतलब हर चीज़ में वो सिमेट्री में खेल रहे थे, हर चीज़ का उनके पास में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर था, उस वे में वो खेल रहे थे। विनिंग 5 games, 5 game जीत गए एंड इज क्लोज टू सीलिंग द सेमीफाइनल बर्थ, और उन्होंने क्या किया, जो सेमीफाइनल था उसमें खुद को अचीव पहुँचा दिया, वहाँ पर उसको सील कर लिया, उसको अचीव कर लिया, यहाँ तक हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, अचीव करने के सेंस में। इसके ऊपर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली आर द बैटलिंग बुलवर्क्स, बुलवर्क्स की हम लोग बात करना चाहते हैं, कोई आपके पास में क्या करता है, ऐसे वॉल के रूप में काम करता है, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं जो शील्ड के रूप में आपके पास काम करता है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं बैटलिंग बुलवर्क्स, ठीक है। तो आज के अपने पास में इस वाले सेशन में हम लोग इतनी ही बात करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जल्दी मिलता, बाय, गुड नाइट। और आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से, एंड गिव अ थम्स अप फॉर मी, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।